हेलो एवरीवन, अब हम सेट में आगे नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सबसेट और सुपरसेट। नाम से ही रखकर नाम से पता चल रहा है आपको कि सबसेट सबसेट का मतलब होता है सेट से छोटा। जैसे इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, तो इंस्पेक्टर जो होता है आपका बड़ा होता है, उसके पास ज़्यादा पावर होता है, और सब इंस्पेक्टर जो होता है उसका पावर क्या होता है, कम होता है। इस तरीके से सेट और सबसेट, सबसेट का मतलब होता है सेट से जो छोटा हो उसे बोलते हैं सबसेट। ठीक है, इस एग्जांपल में दिखाऊँ आपको। जैसे मैं बोलूँ कि एक एग्जांपल देखिए, आप मान लो आपके पास एक सेट है, इसके अंदर वन टू थ्री फोर आता, और बी जो आपके पास एक सेट है इसके अंदर आपका आता हो वन टू थ्री। जैसे ए में आ गया 1 2 3 4, तो अब ए वाला सेट आपका बड़ा है और बी वाला सेट आपका छोटा है, लेकिन जितने भी बी में है लोग सभी ए में प्रेजेंट है। हम बोलेंगे बी जो है सबसेट है ए का। बी जो है वो क्या है, ए का सबसेट है। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो प्रेजेंट इन सेट बी सेट ए, देन ए बी इज सेट बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। इसको दिखाते हैं कैसे सिंबल होता है, बी इज सबसेट ऑफ ए, इस तरह का सिंबल होता है। आप इसको दिखाते हो एनसीईआरटी में, सबसेट को ऐसे दिखाया गया है, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, डेफिनेशन कैसे भूल गया। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, हमारे पास ए और बी दो सेट हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट इज इन एन एलिमेंट ऑफ बी, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का एक एलिमेंट हो, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। ए को कहते हैं बी का सबसेट है, मतलब बी वाला सेट बड़ा होगा, ए के परिवार के सभी लोग बी के अंदर हैं। एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, और बी को जो बोलते हैं वो कहते हैं कि ए का क्या सुपर सेट है। और जैसा कि आपको नीचे लिखा गया, वी राइट एज ए इज सबसेट ऑफ बी। एनसीईआरटी सबसेट कैसे लिखता है, ऐसे ए सबसेट ऑफ बी, बाकी अदर बुक में ऐसे ही लिखते हैं लोग। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पे ए में आपके पास ए बी सी डी, और बी में आपके पास ए बी सी डी ई एफ। अब यहाँ पे कौन सा सेट बड़ा है, बी वाला सेट बड़ा है। जब बी वाला सेट बड़ा है तो बी सेट हो जाएगा आपका, बी वाला सेट बड़ा हो गया, तो इसे सुपर सेट कहते हैं। ऐसे जो बड़ा होता है उसे सुपर सेट बोलते हैं, जो छोटा हो उसे बोलते हैं सबसेट। तो अभी मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे ये जो सिंबल बना है ये आपका सबसेट का सिंबल बना है, तो बोलूँगा ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और एक बात हो, जैसे आप बोल रहे हो कि ए इज सबसेट ऑफ बी, वैसे ही अगर मुझे उल्टा कोई बोलने के लिए बोले तब कैसे बोल सकता हूँ। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो। जैसे ये सिंबल आपका है ए इज सबसेट ऑफ बी, करेक्ट। तो सुपर सेट का सिंबल क्या होता है, इसी में क्या करना है आपको, बी को ऐसे कर देना, ए को ऐसे कर देना। इसका मतलब ये हो गया है कि बी इज सुपर सेट, ये आपका बी सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, ये आपका हो गया। तो जो सेट बड़ा होगा वो वाला आपका सुपर सेट होगा, छोटा होगा सबसेट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका हो गया। अच्छा, सेकेंड बात नोट, ये आपको दिया गया, इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट, अगर एक सबसेट नहीं हो आप बी, अगर ए बी का सबसेट नहीं हो उसको कैसे लिखते हैं, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। बस यहाँ पे जैसे इक्वल टू होता था, इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टू, वैसे जब एक्स दो के बराबर नहीं होता तो लिखते हैं एक्स इज़ नॉट इक्वल टू टू। वैसे ही हमारा अगर सबसेट है तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, अगर सबसेट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे, तो ये बताएगा कि ये सबसेट नहीं है। तीसरे से आप सबसेट कर सकते हो। अब हमारा अगला टॉपिक है कि सबसेट को लिखते कैसे, हाउ टू राइट सबसेट, हाउ टू राइट
सबसेट ऑफ एनी सेट, कोई सेट आपको दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा उसका सबसेट लिख के दिखाइए। तो कैसे आपको लिखना है उसमें, कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास एक सेट है ए, कोई बोल ले कि इसमें जितने भी सबसेट बनेंगे उनको लिख के दिखाओ, तो इसको लिख के दिखाना है तो करना क्या है, तो इसके लिए कुछ रूल होते हैं जिसे आपको समझना पड़ेगा। पहले सबसेट लिखने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जिसमें पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जितने भी सेट होते हैं वो खुद के सबसेट होते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि बी हमारे पास है 1 2 3, तो 1 2 3 है, 1 2 3 1 2 3 का सबसेट है क्या? यस है, क्योंकि इसमें इसके जितने भी एलिमेंट हैं इसमें प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हो कि ये आपका सबसेट है। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो खुद के क्या होते हैं, जितने भी सेट होते हैं वो खुद के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। दूसरा पॉइंट, इम्पटी सेट या फाई या ऐसे आपका ऐसे बनाते हो इम्पटी सेट को, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, दुनिया में जितने भी सेट हैं उन सब के सबसेट में फाई आपका पहले से ही शामिल होता है। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे हमारे पास बी इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो अगर ए इज इक्वल टू हमारे पास फाई है, तो मैं बोल सकता हूँ ए इज द सबसेट ऑफ बी, वो चाहे कुछ भी सेट हो वो सबके लिए, वो सबके लिए क्या आपका होगा, उसमें फाई आपका एक इम्पटी सेट आ जाएगा। थर्ड वन, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इफ एंड ओनली इफ, ऐसा तभी हो सकता है। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इस सिंबल का मतलब, इसको बोलते हैं इफ ना, मतलब द इफ एंड ओनली इफ, और ये तभी हो सकता है जब ए आपका क्या हो, बी के इक्वल। जैसे एग्जांपल, जैसे ए का ए आपके पास 1 2 3, बी आपके पास 2 1 3, तो इसमें आपका आर्डर से कोई पंगा नहीं है, आर्डर तो आपका कैसे भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यस बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए के ए में जितने भी एलिमेंट है, ए में जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे कहाँ, बी में प्रेजेंट है। ए में 1 2 3, तो बी में भी आपके पास 1 2 3 है, और बी सबसेट ऑफ ए, दोनों बोल सकते हैं, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तब मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। तो ऐसा हम कह सकते हैं। तीन बात हो गई, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जहाँ बच्चे फंसते हैं, ये वाला फाई जब, अच्छा ये प्रॉपर सेट में गए, अभी आप इसको पढ़ लो और प्रॉपर सबसेट में समझा जाएगा कैसे होता है। फाई जब प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, फाई फाई जो होता है ना सारे सेट का, सारे सेट की प्रॉपर सबसेट में आता है, लेकिन जब फाई का प्रॉपर सबसेट लिखा जाता है तो उसमें नहीं आता है। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, प्रॉपर सबसेट पढ़ा जाएगा तो आपको वहाँ पे क्लियर बताया जाएगा कैसे आपको समझना है, ठीक है। तो ये सारी बात हमको ध्यान देनी है।